सब्सक्राइब कीजिए इजी टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेजिटेबल इडली बनाने के लिए हमने ले लिया है एक खाली बोल और उसके अंदर हम अपना ये एक कप हमारा ये सूजी है इसको डाल देंगे। और हमने यहाँ पर मोटी सूजी ली है और अगर आप इसको मेजर करके देखेंगे तो ये 100 ग्राम सूजी है। एक कप सूजी थी तो हमने उसी बॉल से मेजर किया है, एक कप दही डाल देंगे। दही अगर थोड़ा खट्टा हो तो इडली और भी अच्छी बनती है। और हमारा ये 1 टेबलस्पून हमारा ये बेसन है ये भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक है ये भी डाल देंगे। नमक इसमें बहुत ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो इडली का टेस्ट खराब हो जाएगा। ये सब चीजें डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर एक बहुत छोटा सा पीस अदरक का है, 2 बीन्स हैं, 1 हरी मिर्ची, 1 छोटा सा टमाटर जिसके सीड्स निकाल दिए हैं, 1 छोटा सा पीस शिमला मिर्च का और 1 मीडियम साइज अनियन है। हमने इन सभी सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है ये भी डाल देंगे। और विंटर्स में आप इसमें पत्ता गोभी और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने अपनी सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर उसी बॉल से ही 1/2 कप पानी डाल देंगे और अपने बैटर को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। हल्दी इसके अंदर मैंने डाली है, अगर आप चाहें तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। हमने अपने बैटर को अच्छी तरीके से बना लिया है। अब हम इसको लगभग 1/2 घंटे के लिए ढककर रखेंगे। हमारे इडली बैटर को लगभग 5 मिनट और बचे हैं तैयार होने में, इतने हम उसमें डालने वाला छौंक बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर रखी है तड़का पैन और उसके अंदर हम 1 सर्विंग स्पून हम यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे और हल्का इसको हम गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है और अब हम इसके अंदर ये 1/4 टीस्पून सरसों के दाने हैं ये डाल देंगे और इनको बस हल्का सा हम इनको चला देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो सरसों है वो अच्छे से स्प्लैटर हो रही है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसके अंदर लगभग 10 से 15 हमारे करी पत्ता है जिसको हमने छोटा छोटा पीसेस में कर लिया ये डाल देंगे। दो चम्मच हम इसके अंदर चना दाल डाल देंगे जिसको हमने 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा था और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चने की दाल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है, गैस हमने बंद कर दी है। तो चलिए अब हम अपने ये टेम्परिंग अपने उस बैटर में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो इडली का बैटर है वो भी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, सूजी बहुत अच्छे से इसमें फूल गई है। हमने जो अपने ये टेम्परिंग बनाया था इसको हम डाल देंगे, लेकिन इसको डालने के लिए आप इस तरीके से साइड में लाइए और ऐसे डाल दीजिए, ऑयल हम इसमें नहीं डालेंगे। टेम्परिंग डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स सॉफ्ट इडली के अंदर जो ये चने की दाल की जो बाइट्स आती हैं वो बहुत टेस्टी लगती हैं। ये देखिए हमारा जो ये बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है और इसमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरीके की। आप बिल्कुल अगर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये इडली आपकी बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बनेगी। अब हम इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में ये 1 पैकेट इनो का है ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अपने एक ऐसा इडली का स्टैंड लेंगे और उसको हम ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से उसको हम ग्रीस करेंगे। हम सभी स्टैंड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम अपने स्टैंड में जो हमारा ये बैटर है उसको अच्छे से एक बार फिर से बीट कर लीजिए और अब हम अपना 1-1 चम्मच स्टैंड में डाल देंगे। हमने 1-1 चम्मच अपना इस इडली स्टैंड में बैटर डाल दिया है और इसी तरीके से बाकी जो भी स्टैंड्स हैं उसमें भी हम अपना बैटर डाल देंगे। हमने अपने इडली स्टैंड में अपना इडली का बैटर डाल लिया है तो चलिए अब इसको हम जल्दी से स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए हमने यहाँ पर एक हैवी बॉटम का पैन लिया हुआ है और उसके अंदर 2 ग्लास पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से हमने बॉइल कर लिया है।
अब हम अपना ये इडली का स्टैंड इसके अंदर रखेंगे। इडली स्टैंड रखने के बाद हम इसके ऊपर एक टॉवल रखेंगे इस तरीके से। ऐसे आप डबल कर लीजिए और जो ये इसके जो साइड में ये जो कॉर्नर्स है इसको भी इसके ऊपर रख दीजिए इस तरीके से, और ये ढक्कन अपना इसके ऊपर ढक दीजिए। और लगभग 15 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम पर इसको ऐसे ही पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम लिड को उतार कर देख लेंगे और ध्यान से उतारेगा क्योंकि इस समय ये बहुत गर्म रहता है। और जो ये हमने टॉवल रखा था इसको भी बस आप साइड से उतारिए। ये देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है, और ये पूरी तरीके से स्टीम हुई है या नहीं हुई है इसके लिए हम एक नाइफ इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हमारा नाइफ क्लीन आया है, इट मीन्स हमारी इडली अच्छी तरीके से कुक हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और अपना जो ये इडली स्टैंड है इसको हम बाहर निकालेंगे। इडली स्टैंड को हमने बाहर निकाल लिया है और इस समय ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसीलिए हम इसको लगभग 10 मिनट के बाद अपनी इडली इसके अंदर से निकाल देंगे। और इडली निकालने के लिए या तो आप नाइफ को यूज़ कीजिए या आप स्पून का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसके चारों तरफ आप इसको घुमाइए और आपकी इडली बाहर निकल आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो इडली है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, इस तरीके से आप दबा के देखें तो कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और खाने में रियली बहुत टेस्टी लगती है। खूब सारी इसमें वेजिटेबल्स हमने डाली हैं, और विंटर्स में अगर आप बनाएं तो इसके अंदर आप पत्ता गोभी और गाजर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई हमारी गरम गरम वेजिटेबल इडली। आप इसको अगर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये बहुत बढ़िया बनेंगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।